राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा देती है। आपने मेरा भी क्लास ले लिया आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से बातचीत की। बता दें, इस साल देश भर से 82 शिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने इन सभी शिक्षकों से खास मुलाकात और बातचीत की, जिसमें सभी शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्रों की विशेषताएं बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने अनुभव भी साझा किए। ओम विश्वानि देवा सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रम तन्नयासुवा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमो नमः। अहम आशा रानी, प्लस टू उच्च विद्यालय चंदन क्यारी, बोकारो, झारखंड तः अद्य भवता सानिध्य प्राप्त अति गौरवम अनुभवामि। महोदय, एक संस्कृत शिक्षिका होने के नाते मेरा यह सपना था कि मैं बच्चों को भारत की उस संस्कृति से अवगत कराऊं, उन समस्त संस्कारों का बोध कराती है जिनके माध्यम से हम अपने मूल्यों, जीवन आदर्शों का निर्धारण करते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने बच्चों की रुचि संस्कृत में उत्पन्न कर इसे नैतिक शिक्षा का आधार बनाया और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से बच्चों को जीवन मूल्यों को सिखाने का प्रयास किया। आपने कभी सोचा कि जब आप संस्कृत भाषा के प्रति उनको आकर्षित करते हैं, उसके द्वारा उसको एक ज्ञान के भंडार की तरफ ले जाता है जो हमारे देश में पड़ा हुआ है, क्या कभी इन बच्चों को वैदिक मैथमेटिक क्या है जो एक संस्कृत के टीचर के नाते, या कभी आपके टीचर्स के कमरे में, टीचर्स के बीच में वैदिक मैथमेटिक क्या है, कभी चर्चा हुई होगी? नहीं महोदय, नहीं हुई। इसके बारे में मैं आप स्वयं... कभी कोशिश कीजिए, ताकि क्या होगा अगर ताकि आप सबको भी काम आ सकता है, ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक के क्लासेस भी चलते हैं। यूके में तो ऑलरेडी कुछ जगह पे सिलेबस में है वैदिक मैथमेटिक। जिन बच्चों को मैथ्स में रुचि नहीं होती है, वो अगर ये थोड़ा सा भी देखेंगे उनको लगा ये तो मैजिक है, एकदम से उसको मन कर जाता है सीखने का, तो वो संस्कृत से हमारे देश के जितने भी विषय हैं उनसे उनमें से कुछ तो भी परिचित करवाना, वैसा कभी आप कोशिश करें तो। मैं ये बहुत अच्छी आपने बताया महोदय, मैं जाकर बताऊंगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र से, कोल्हापुर वही जिला राजर्षि शाहू की। ये गला आपका यहाँ आकर के खराब हुआ कि वैसे ही है? नहीं सर, आवाज ही ऐसी है। अच्छा, आवाज ही ऐसी जी है। तो कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र से, समोलोई हाई स्कूल में कला शिक्षक हूँ। कोल्हापुर वही है राजर्षि शाहू की जन्मभूमि। कला में क्या? कला में मैं चित्र, नृत्य, नाट्य, संगीत, गीत, वादन, शिल्प सभी वो तो दिखता है जी। तो मैं प्रायतः ऐसा होता है कि बॉलीवुड या हिंदी फिल्मों के वर्जन सभी तरफ चलते आते हैं, तो मेरे स्कूल में मैं जब से वहाँ पे हूँ 23 साल से, मैंने जो अपनी भारतीय संस्कृति है और लोक नृत्य और जो हमारी शास्त्रीय नृत्य है उसके आधार पर ही रचना की है। मैंने शिवतांडव स्तोत्र किया है और वो भी बड़ी तादाद में मैं करता हूँ, 300-300-200 लड़कों को लेके, जिसके विश्वविक्रम भी हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर भी मैंने किया है, वो भी विश्वविक्रम में दर्ज हुआ था। और मैं शिवतांडव किया है, मैंने माँ देवी का हनुमान चालीसा किया है, देवी के रूप का दर्शन किया है। तो इस तरीके से मैं अपने नृत्य की वजह से, आप तो करते होंगे, मैं खुद भी करता हूँ और मेरे तो, बच्चे वो भी तो करते, करते होंगे आप। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए आपकी जिंदगी है, उनके लिए क्या करते? वही सब करते हैं सर। वो क्या करते हैं? 300-400 बच्चे एक नृत्याविष्कार में काम करते हैं, और सिर्फ मेरे स्कूल के ही बच्चे नहीं, मेरे आजू बाजू में थोड़ा स्लम एरिया है, कुछ सेक्स वर्कर के बच्चे हैं, कुछ व्हील चेयर वाले बच्चे हैं, उनको भी मैं एज अ गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पे लेता हूँ। लेकिन उन बच्चों को तो आज सिनेमा वाले गीत पसंद आते होंगे। जी सर, लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि लोक नृत्य में क्या जान है, और मेरा सौभाग्य है कि बच्चे मेरी इस बात सुनते हैं जी। 10 साल से मैं सर कर रहा हूं। टीचर की नहीं सुनेगा तो बच्चा जाएगा कहाँ? जी सर।
कितने साल से आप कर रहे हैं? मैं टोटली मेरे 30 साल हो गए सर। बच्चों को जब पढ़ाते हैं और नृत्य के माध्यम से कला तो सिखाते ही होंगे, लेकिन उसमें कोई मैसेजिंग देते हो आप, वो क्या देते हैं? जी सामाजिक मैसेज पर भी मैं बनाता हूँ। जैसे कि मैं ड्रंक एंड ड्राइव जो होता है उसके लिए मैं नृत्य नाट्य बिठाया था, कि जिसको मैंने प्रदर्शन पूरे शहर में करवाया था एज अ पथ नाट्य के स्वरूप में। जैसे ही मैंने दूसरी बार बताया कि स्पर्श नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनवाई थी जिसकी पूरी टेक्निकल टीम मेरी स्टूडेंट्स थे। तो ये दो दिन से तीन दिन से आप लोग सब जगह पे आपको जाना होता होगा, थक गए होंगे आप लोग, कभी इसके घर कभी उसके घर कभी उसके घर, ऐसे ही चलता होगा। तो इनसे कोई विशेष परिचय कर लिया क्या आप लोगों ने? कोई लाभ लिया कि नहीं किसी ने? जी है सर, बहुत सारे लोग ऐसे मोस्टली जो इससे हायर से है वो लोगों ने बोला था कि सर अगर हम आपको बुलाएंगे तो आप हमारे कॉलेज आएंगे। अच्छा, मतलब आपने आगे का तय कर लिया। मतलब आप कमर्शियली भी करते हैं कार्यक्रम? कमर्शियली भी करता हूँ, लेकिन उसका फिर तो आपको बहुत बड़ा मार्केट है। नहीं सर, बहुत बड़ा मार्केट मिल गया। नहीं सर, उसकी भी एक बात बताना चाहूँगा। कमर्शियली मैं जो भी काम करता हूँ, मैंने फिल्मों के लिए कोरियोग्राफ किया है, लेकिन मैंने 11 अनाथ बच्चे गोद लिए हुए, मैं उनके लिए कमर्शियली काम करता हूँ। उनके लिए क्या करते हैं? वो अनाथ आश्रम में थे और उनके में कला गुण थे, तो अनाथ आश्रम की एक पहलू होती है कि 10वीं के बाद उसको ITI में डाल दो। तो मैंने वो धरना तोड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोगों को इसको अलाउ नहीं करते हम लोग। तो मैंने उनको बाहर ले लिया, एक रूम में रख लिया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, वहाँ पे आ गए, उनकी शिक्षा की। उसमें से दो कला शिक्षक करके काम कर रहे हैं, दो लोग हैं वो नृत्य शिक्षक करके गवर्नमेंट स्कूल में लग गए, मतलब CBSE। जो ये बढ़िया आप काम करते हैं ये आखिर में बताते हैं, ऐसे कैसे हो? ये बहुत बड़ा काम है कि आपके मन में उन बच्चों के प्रति संवेदना जगना, और किसी ने छोड़ दिया मैं नहीं छोड़ूंगा और आपने उनको गोद लिया, ये बहुत बड़ा काम किया आपने। सर, इस बात का मेरे जीवन से ताल्लुक है, मैं खुद अनाथालय से हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं मिला था तो मेरे पास तभी कुछ नहीं था, और मेरे संचित के पास से अगर मैं वंचित के लिए कुछ करूँ तो ये मेरा परम भाग्य है। चलिए, बहुत आपने सिर्फ कला को नहीं, आपने जीवन को संस्कारों से जिया है, बहुत बड़ी बात है। जी धन्यवाद सर। तो सचमुच में नाम आपका सागर सही है। जी सर, आपसे सौभाग्य हुआ आपसे बात करने का, ये मेरे सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैं डॉक्टर अविनाशा शर्मा हरियाणा शिक्षा विभाग में बतौर अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हूँ। माने हरियाणा के जो वंचित समाज के बच्चे हैं, जो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ अंग्रेजी भाषा उनके लिए सुनना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए मैंने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया है। ये भाषा की प्रयोगशाला ना सिर्फ भाषा अंग्रेजी भाषा के लिए तैयार की गई है, बल्कि क्षेत्रीय भाषाएँ और मातृभाषा दोनों का ही इसमें समावेश किया गया है। महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा देती है। इन पहलुओं को देखते हुए मैंने इस भाषा प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी समावेश किया है। जैसे जनरेटिव टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, स्पीकोमीटर और टॉकपाल, उनके जरिए भाषा के शुद्ध उच्चारण को बच्चे सीखते और समझते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे साझा करते हुए महोदय कि मैंने अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व यूनेस्को, यूनिसेफ, इंडोनेशिया और उज़्बेकिस्तान जैसे क्षेत्रों में, देशों में किया, और उसका प्रभाव मेरे क्लासरूम तक पहुंचा। आज हरियाणा का एक सरकारी स्कूल ग्लोबल क्लासरूम बन गया है, और उसके ज़रिए बच्चे इंडोनेशिया में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठे हुए प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं। थोड़ा अनुभव बताएंगे किस प्रकार से करते हैं आप, बाकियों को भी पता चले? हाँ जी सर, माइक्रोसॉफ्ट स्काइपथन एक टाइप का प्रोग्राम होता है जिसको मैंने अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ बच्चे जब बातचीत करते हैं, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ें हैं, जिस तरीके से वो अपने एकेडमिक्स को इन्हांस करते हैं, वो चीज़ें हमारे बच्चे सीख पा रहे हैं।
बहुत खूबसूरत सा एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगी सर आपसे। मैं जब उज़्बेकिस्तान गई तो वहाँ से जो अनुभव मैंने अपने बच्चों से शेयर किया तो उनको ये समझ में आया कि जिस तरीके से अंग्रेज़ी उनकी अकादमिक भाषा है, ठीक उसी तरीके से उज़्बेकिस्तान के लोग अपनी मातृभाषा उज़्बेक में बात करते हैं, रशियन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है, और अंग्रेज़ी उनकी अकादमिक भाषा है। तो वो अपने आप को इस विश्व से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अंग्रेज़ी उनके लिए सिर्फ एक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रह गई है, उनको ये रुचि बढ़ने लग गई है इस भाषा में, क्योंकि अब ये नहीं है कि विदेशों में ही अंग्रेज़ी बोली जाती है और ये उनके लिए बहुत सहज है, ये उनके लिए उतनी ही चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, जितनी हमारे भारतीय बच्चों के लिए हो सकती है। नहीं, आप बच्चों को दुनिया दिखा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन देश भी दिखा रही हैं क्या? बिल्कुल सर, जब मैं तो हमारे देश की कुछ चीज़ें जिससे उनको अंग्रेजी सीखने का, जानने का, समझने का मन कर जाए, ऐसा कुछ? सर, मैंने इस भाषा प्रयोगशाला में भाषा कौशल विकास पर काम किया है, तो अंग्रेज़ी भाषा तो एक पाठ्यक्रम की भाषा रही है, बट भाषा सीखी कैसी जाती है, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो हरियाणवी परिवेश के हैं, अगर मैं रोहतक में बैठे हुए बच्चे से बात करूं, वो नूह में बैठे हुए बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट भाषा में बात करता है। तो आज हम जैसे घर में, हमारे पास टेलीफोन पुराने ज़माने में वो जो रहता था, हाँ जी, डिब्बा वो फ़ोन है, और हमारे घर में कोई ऐसे गरीब परिवार की कोई महिला घर काम के लिए अपने यहाँ आती जाती है, हाँ जी, इतने में घंटी बजी और वो टेलीफोन उठाती है, उठाते बोलती हेलो, वो कैसे सीखी वो? यही भाषा का कौशल विकास सर बताया, भाषा सुनने पर और उसका प्रयोग करने पर आती है। और इसलिए सचमुच में लैंग्वेज बोलचाल से बहुत जल्दी सीखी जा सकती है। बिल्कुल सर, मुझे याद है मैं जब गुजरात में था तो नडियाद में मेरे यहाँ एक महाराष्ट्र का परिवार नौकरी के लिए, वो प्रोफेसर थे, नौकरी के लिए आए, उनके साथ उनकी वृद्ध माताजी थी। अब ये महाशय पूरा दिन भर स्कूल कॉलेज में रहते थे लेकिन लैंग्वेज में जीरो रहे वो 6 महीने के बाद भी, और उनकी माताजी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो धनाधन गुजराती बोलना शुरू कर दिया। तो मैं एक बार उनके यहाँ भोजन के लिए गया, मैंने पूछा ये नहीं, बोले हमारे घर में जो काम वाली है ना उसको और कुछ आता नहीं, तो बोले मुझे सीख गया। बोल चाल से सीखा जाता है। बिल्कुल सर, और मुझे बराबर याद है मैं जब छोटा था तो मेरे स्कूल में जो टीचर थे थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे और हमें स्ट्रिक्टनेस थोड़ी तकलीफ करती थी, लेकिन उन्होंने राजा जी ने जो रामायण महाभारत लिखी है तो उसमें से रामायण की जो बहुत परिचित वार्ता तो सबको परिचित होती है, तो बड़ा आग्रह करते थे कि राजा जी ने जो रामायण लिखी है उसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। कथा पता था, भाषा पता नहीं थी, लेकिन बहुत जल्दी कोरिलेट करते थे, एक दो शब्द समझ गए तो भी लगता था हाँ ये कहीं सीता माता की कोई चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। हर हर महादेव। सर हर हर महादेव, काशी वालों को हर हर महादेव से दिन शुरू होता है। सर मैं आज आपसे मिलके बहुत खुश हूँ सर। सर मैं कृषि विज्ञान संस्थान में पौधे की रोगों के ऊपर मेरा विशेषज्ञ शोध है, और उसमें मेरा एक सबसे बड़ा प्रयास ये है कि जो हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं वो ज़मीनी स्तर पे अभी वो उतरे नहीं हैं पूरा चीज़। मेरा इसलिए प्रयास ये है कि हम किसानों को ऐसे टेक्निक को हाथ पकड़ाए जो आसान हो और उसकी अभूतपूर्व परिणाम खेतों में दिखे, और मुझे लगता है इस प्रयास में हमको बच्चों स्टूडेंट्स मेरा और महिलाओं की भागीदारी अहम है, और इसीलिए मेरा प्रयास ये है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ गांव में जाता हूं और किसानों के साथ मैं महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास कराता हूं, ताकि ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स हम लोग डेवलप किए हैं उससे सस्टेनेबिलिटी की तरह हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं और इससे किसानों को फायदा भी हो रहा है। कुछ बता सकते हैं क्या किया है? सर हम लोगों ने बीज शोधन की तकनीक को परफेक्ट किया है, हमने कुछ लोकल माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किए हैं, उससे जब हम बीज को शोधन करते हैं
तो जब रूट्स आते हैं सर, वो पहले से ही वही विकसित रूप जड़ बनते हैं और उससे वो पौधा बहुत स्वस्थ बनते हैं। और उस पौधे में सर की बीमारियां कम लगती है क्योंकि जड़ इतने मजबूत हो जाते हैं, पौधे को वो एक अंदर से एक ताकत देते हैं कीट और बीमारियों से लड़ने के लिए। तो ये परिणाम लैब में करने वाला काम बता रहे हैं जी, लैंड पर कैसे करते हैं, लैब टू लैंड जब आप कह रहे हैं, आप खुद जा रहे हैं किसानों के पास जी सर, वो कैसे इसको करते हैं और वो कैसे शुरू करते हैं? सर हम लोगों ने एक पाउडर फॉर्मुलेशन बनाए हैं और इस पाउडर फॉर्मुलेशन को हम किसानों को देते हैं और उनकी हाथों बीज को शोधन करवाते हैं। और ये हम प्रयास कई सालों से निरंतर कर रहे हैं और वाराणसी के आसपास के 12 गांव में हम लोग अभी इस कार्य को किए हैं। और महिलाओं की अगर संख्या की बात कहें तो 3000 से अधिक महिलाएं अभी इस टेक्निक नहीं तो ये जो लोग किसान हैं वो किसी और किसान को भी तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि जब वो पाउडर लेने के लिए एक किसान आते हैं वो और 4 किसानों के लिए साथ में लेके जाते हैं। और इसका क्योंकि देखा देखी किसान बहुत सीखते हैं और मुझे ये बात की खुशी है कि हमारे जो हम जितने को सिखाए हैं उनसे और कई गुना लोगों ने अपनाए हैं इसको, अधिक पूरा संख्या मेरे पास। ज्यादातर किस फसल पे प्रभाव हुआ और किस फसल? सब्जी और गेहूं पे। सब्जी और गेहूं जी सर। गौरतलब है कि हर साल योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार के लिए अप्लाई करते हैं। यह अवार्ड देश भर के कॉलेजों, यूनिवर्सिटी, उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ साथ पॉलिटेक्निक के सभी संकाय सदस्यों के लिए खुला है। इस साल देश भर से 82 शिक्षकों को राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार, सिल्वर मेडल और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।